फैन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल फिल्म है क्योंकि मेरी डेब्यू हिंदी फिल्म है और मेरी फर्स्ट हिंदी फिल्म में ही मैं एक नहीं दो शाहरुख खान के साथ काम कर रही हूँ, तो इसलिए ऑब्वियसली बहुत एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए ये। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने कभी फ़ैन के लिए स्पेसिफ़िकली ऑडिशन नहीं किया था। मैं यशराज में दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए ऑडिशन कर रही थी और तभी डायरेक्टर मनीष शर्मा ने मेरा वो दूसरा काम देखा एंड उन्होंने फ़ोन किया, तो ऑब्वियसली आई फील वेरी नाइस क्योंकि आई बिलीव कुछ 700 से भी ज़्यादा लड़कियों को ऑडिशन किया था नेहा के लिए एंड आई एम हैप्पी कि वो मुझे पार्ट मिला। जब आपने अपने फैमिली में बताया, पापा क्योंकि इतने मशहूर कलाकार हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था, क्या सजेस्ट किया उन्होंने, क्या रीडिंग करो या कुछ होमवर्क करो कुछ ऐसा था? नहीं, ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश थे और पर उन्हें यह भी पता था कि मैं जल्दबाजी में कोई डिसीजन कभी भी नहीं लेती हूँ। तो ऑल दो मुझे पता था कि शाहरुख खान इज़ इन द फिल्म, कहीं पर मुझे स्क्रिप्ट भी जाननी थी और मेरा कैरेक्टर क्या है ये भी समझना था, और मनीष ने सब ठीक से मुझे समझाया कि एग्जैक्टली क्या है एंड इवेंचुअली आई वॉज़ हैप्पी बिकॉज किरदार छोटा है पर फिर भी कहीं ना कहीं वो लोगों से कनेक्ट हो पाया है, इसलिए मुझे ज़्यादा खुशी हुई है क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोगों को मेरा काम इतना अच्छा लगेगा। और इन स्पाइट ऑफ शाहरुख बीइंग देयर इन द फिल्म आई वाज नोटिस्ड, सो आई एम ऑब्वियसली वेरी हैप्पी। एंड सजेशन, आई थिंक उन्होंने वैसे उनको पता था कि आई एम इन सेफ हैंड्स, आदित्य चोपड़ा, यशराज, मनीष शर्मा और शाहरुख खान, तो ये कॉम्बिनेशन तो इससे ज़्यादा बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, तो दे वर कम्प्लीटली श्योर कि जो भी होगा अच्छा होगा। पर ऑफकोर्स उन्होंने ये बात कही कि एंग्जाइटी में डोंट फॉरगेट टू हैव फन, आई मीन एज एन एक्टर ऑब्वियसली एक अलग किस्म का एक एक्सपीरियंस था मेरे लिए ये, बट ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि मज़ा करके आओ, यू नो स्ट्रेस मत लो। नहीं, मैं नर्वस तो बिल्कुल नहीं थी और एक्चुअली ये क्रेडिट मैं उनको ही देती हूँ बिकॉज वो उन्होंने मतलब बहुत ही कंफर्टेबल फील करवाया एंड आई रियली फेल लाइक हिज बेस्ट फ्रेंड। हमने बहुत सारी बातचीत की और जनरली वो जब सीन करते थे हम एक कॉन्वर्सेशन होता था सीन के बारे में एंड एज अ को एक्टर वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है एंड आई हैड अ वंडरफुल टाइम वर्किंग विथ हिम। और ऐसे कभी भी नहीं लगा कि मैं एक सुपर स्टार के साथ काम कर रही हूँ बिकॉज वो बिल्कुल सेल्फिश नहीं है एज एन एक्टर, तो मेरे लिए बहुत ही सरील एक्सपीरियंस था। मुझे एक्चुअली अभी भी कभी कभी यकीन नहीं होता है, मैं अभी तक फैन 7 बार देख चुकी हूँ मेरे फ्रेंड्स के साथ, तो जब मैं खुद को स्क्रीन पे उनके साथ देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि क्या मैंने रियली ये मूवी की शाहरुख के साथ ऑपोजिट हिम, सो समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू बिलीव, बट या आई मीन फुल क्रेडिट गोज़ टू हिम, मुझे बहुत अच्छा लगा। फ़ोन पे नहीं बट सबसे एक्चुअली बिगेस्ट मुझे जो कॉम्प्लीमेंट मिला वो उनसे ही मिला क्योंकि उन्होंने एक शो पे कहा था मेरे बारे में, जब उनसे पूछा गया था कि आपके साथ कौन सी एक्ट्रेसेस हैं तो उन्होंने कहा था कि श्रिया मेरे साथ हैं और उनको मेरा काम बहुत अच्छा लगा, उन्होंने ये मुझे कहा एंड उन्होंने कहा कि अलग किस्म की एक्ट्रेस है, तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट था स्पेशली बिकॉज मैं भी उनकी फ़ैन हूँ, तो फॉर एनी एक्टर टू हियर दैट फ्रॉम समवन हुम दे आइडलाइज इज़ अ बिग थिंग, तो इसलिए मैं बहुत खुश थी। एज अ टीम एफर्ट ये फिल्म में बहुत पॉजिटिव एनर्जी थी और सब ने आई थिंक सपोर्टिंग कास्ट मेन एक्टर्स सब ने बहुत अच्छा काम किया है, सो आई एम हैप्पी। एक्चुअली मूवी देखने के बाद ऐसे काफ़ी लोग थे जिन्होंने मुझे कहा कि तुम महाराष्ट्रन हो बट तुमने दिल्ली का कैरेक्टर बहुत अच्छी तरह से निभाया, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छी बात थी। एंड सेट पे आई थिंक हम एक एक्चुअल कॉलोनी में शूट कर रहे थे और उस कॉलोनी में जब हम सीन कर रहे थे सब आजू बाजू जो लोग थे कॉलोनी के वो शाहरुख शाहरुख चिल्ला रहे थे और ऐसे काफ़ी बार होता था कि हमें डायलॉग्स नहीं सुनाई देते थे, सो इट्स रियली फनी बिकॉज एक ये हर एक्टर को ये एक्सपीरियंस नहीं मिलता बिकॉज ये सुपरस्टार के साथ ही होता है कि जो लोग 8-8, 9-9 घंटे बाहर खड़े रहते हैं उनके लिए, एंड वो मुझे देखने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग था कि वो किस तरह से उस शोर में भी कंपोज रहकर काम कर रहे थे, तो एक
सुपरस्टार के पीछे क्या मेहनत होती है, क्या हार्ड वर्क होता है, वो मुझे मतलब एक्सपीरियंस करने का मौका मिला. सो आई वुड से वो मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस था. मैं मनीष को यही कहती हूँ कि ये फिल्म तो मेरे लिए ड्रीम डेब्यू है ही, पर उसमें एक सॉन्ग और डांस गाना मुझे नहीं दिया, तो वो एक कहीं मेरी इच्छा है जो छूट गई है. बट आई एम श्योर आगे मौके मिलेंगे, बिकॉज अगर शाहरुख के साथ काम कर रही हो तो एक गाना तो बनता ही है. बट इस फिल्म की स्टोरी वैसी नहीं है, देर वॉज नो स्कोप फॉर सॉन्ग, एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज जैसे डायरेक्टर को चाहिए था उन्होंने वैसे किया. बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मुझे वो प्यार दे रहा है और मैं भाव नहीं दे रही हूँ, तो मुझे वो डिफिकल्ट लगा बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं वो प्यार वापस देना था. क्योंकि फैन अपने आप में एक लैंडमार्क है आपके करियर का. अब इसके बाद आपको अपना करियर बहुत अच्छे से आगे बढ़ाना है, स्क्रिप्ट जो भी आएंगे अच्छे से पढ़ना है. जल्दबाजी में काम करेंगे या फिर तसल्ली से मम डैड से सलाह लेके? नहीं, आज तक मैंने जो भी किया है वो मैं आई थिंक फॉर मी एक अच्छी कहानी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और अच्छी टीम. और मैंने मराठी फिल्म की है, फ्रेंच फिल्म की है, हिंदी फिल्म की है, तो एक अलग किस्म की मैं जर्नी बोल सकती हूँ अब तक हुई है. एंड आगे आई डोंट नो आगे जाके इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स किस किस्म के प्रोजेक्ट्स मुझे ऑफर होंगे, बट आई थिंक स्टोरी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट विल ऑलवेज बी प्रायोरिटी. और मैं कभी जल्दबाजी से डिसीजन नहीं लेती हूँ, मैं काफ़ी इंस्टिंक्टिव हूँ, पर सोच समझ कर भी डिसीजन लेती हूँ. सो आई एम जस्ट होपिंग कि लोगों को मेरा काम पसंद आया है, सो लेट्स होप दैट आई वॉन्ट टू डू अ लीड वेरी सून. सो या लेट्स होप. क्योंकि शेयर फैन के जरिए आपको व्यूअर्स आपको जान पाए अच्छे से और ज़्यादा तरीके से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँची हैं, कुछ बताना चाहेंगे करियर की शुरुआत कैसे हुई, बचपन में कैसे निकला, मीन कब से आप आपने ये फैसला कर लिया था कि आपको एक्ट्रेस ही बनना है, या फिर नहीं? एक्चुअली जनरली लाइफ में फैसला करना मतलब मैं इमीडिएटली किस चीज़ के बारे में फैसला नहीं कर पाती हूँ, पर इट वाज एन ऑर्गेनिक प्रोसेस. बट आई थिंक किसी भी एक्टर के लिए मतलब सिर्फ ये सिर्फ एक्टिंग करना एक अलग बात होती है, पर अपने बहुत सारे स्किल्स जो होते हैं वो भी शार्पन करने पड़ते हैं आपको. एंड आई फील कि आप जिस तरह से आप स्क्रीन पर नज़र आते हैं, मोर देन ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन आपकी पर्सनालिटी क्या है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. इन माय केस आई थिंक मैं डायरेक्ट भी करती हूँ, तो मेरा फर्स्ट बिहाइंड द कैमरा मेरी जर्नी शुरू हुई. अभी भी मैं करने वाली हूँ, ऐसे नहीं कि मैं बंद करने वाली हूँ मेरे डायरेक्शन का पैशन. बट मैंने ऐसे कभी डिसाइड नहीं किया था कि मैं एक्ट्रेस बनूँगी, वो ऑर्गेनिकली हो गया. मैं कथक डांसर हूँ, तो वो कथक भी समवेयर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. मैं थिएटर करती हूँ, तो वो 2 साल से कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं स्टेज से जुड़ी हुई हूँ मैं. एंड अभी तो इट कम्स वेरी नेचुरली टू मी, और अभी मेरा फोकस सिर्फ एक्टिंग पर ही है. सो आई वुड जस्ट से कि फॉर एनी एक्टर आउट देयर, आपको बस अपने स्किल्स पर ध्यान देना है और अपनी क्राफ्ट बेहतर करनी है, और जो भी अपॉर्चुनिटी आए, कितनी भी छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी हो, वो छोटी बिल्कुल नहीं होती. एज एन एग्जांपल फैन, सो हर अपॉर्चुनिटी को आई थिंक हमें उतने ही इम्पोर्टेंस से हमें काम करना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि वो अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ लेकर जाती है. या मम्मी मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा बहुत ही मतलब शुगर कोट करके कुछ नहीं बोलती. एंड आई थिंक इसलिए जब मम्मी ने कहा कि फैन में तमने बहुत अच्छा काम किया है, एंड यू हैव डन अ वेरी वेरी गुड जॉब, कहीं पर आई बिलीव्ड हर कि ठीक है, मतलब कुछ तो शायद सही हुआ होगा अगर मम्मी कह रही है, बिकॉज मेरी मम्मी बिना वजह तारीफ बिल्कुल नहीं करती. नहीं, मैंने जो किया सब मेरा जो भी है सब फिल्म में है. आई थिंक हर एक्टर को जब हर एक्टर अपना परफॉर्मेंस देखता है तो कहीं ना कहीं लगता ही है कि ये बेटर हो सकता था. और इनफैक्ट मुझे वो उस मुकाम पर कभी नहीं पहुंचना जब मुझे लगे कि बस मैं परफेक्टली काम कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली ऐसे लगता है.
पर मैं खुश हूँ बिकॉज लोगों को काम पसंद आया. एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस क्या सोचती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्रिटिक्स भी रिव्यूज़ अच्छे आए हैं. सो ऑब्वियसली मुझे पता है कि मुझे एज एन एक्टर किन चीज़ों पर काम करना है. बट फॉर नाउ आई एम जस्ट वेरी हैप्पी कि लोगों को फिल्म भी अच्छी लगी है और ये अलग किस्म की फिल्म है. तो लोग वो लोग देख रहे हैं कि रन ऑफ द मिल बिल्कुल नहीं है. तो आई एम हैप्पियर टू बी स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग फिल्म rather than the big part of a film that I don't completely believe in. ये एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है एक्चुअली. इट रियली डिपेंड्स बिकॉज आई थिंक बाय नेचर मैं ऐसी हूँ कि अगर मुझे मेरा कैरेक्टर और स्टोरी पसंद आए तो मुझे जेन्युइनली फ़र्क नहीं पड़ता और टीम अच्छी होनी चाहिए. तो वैसे ही मैं पिकी नहीं हूँ कि मेरे सामने मुझे सिर्फ यही इन लोगों के साथ काम करना है. आजकल तो इतने फैंटास्टिक न्यू एक्टर्स भी आए हैं और लॉट्स ऑफ यंग पीपल इन द इंडस्ट्री, यंग डायरेक्टर्स, यंग एक्टर्स. तो मैं कभी खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहती हूँ. पर आई गेस इट विल बी अ डिफ़िकल्ट डिसीजन अगर स्टोरी अच्छी नहीं है और बड़े बड़े एक्टर्स. आई डोंट नो लेट्स सी. ये सब कुछ करती हूँ मैं. मुझे ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक है. मैं काफ़ी अकेले ट्रैवल भी करती हूँ. और बिसाइड्स दैट आई थिंक या दोस्तों से मिलती हूँ. आई लाइक टू रीड. मैं बहुत मूवीज़ देखती हूँ और फ्री टाइम में काफ़ी छोटे छोटे डायरेक्शन प्रोजेक्ट्स भी लेती हूँ, शॉर्ट फिल्म वगैरह. सो खुद को मैं ऐसे आराम से बैठ नहीं सकती. वो मेरा प्रॉब्लम है. कुछ ना कुछ मुझे करना अच्छा लगता है. सो या ऑफ कोर्स पेरेंट्स से भी बातें करती हूँ. बहुत स्टोरीज होते हैं पापा के पास बताने के लिए. तो जनरली फैमिली कुछ ना कुछ तो होता ही है डिस्कशन में. ऑफकोर्स आई थिंक एक्चुअली एज एन बहुत मुझे अच्छा लगता है बिकॉज आजकल अलग स्टोरीज बाहर आ रही हैं. लोग भी वही देखना नहीं चाहते. सो आई एम वेरी हैप्पी कि एट दिस स्टेज मैं एक्ट कर रही हूँ जबकि ऑडियंस भी ओपन माइंडेड है फॉर न्यू स्टोरीज, फॉर डिफरेंट थिंग्स. ऑफकोर्स मैं ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरीज करना चाहूँगी. एंड मुझे ये भी पता है कि सबकी किस्मत में ये स्टोरीज आते नहीं हैं. सो आई एम रियली होपिंग कि आई एम श्योर देयर आर मेनी स्टोरीज आउट देयर दैट नीड टू बी टोल्ड एंड आई डेफिनेटली लव टू पोर्ट्रे बिकॉज आजकल लोगों को इंस्पिरेशन मूवीज से बहुत ज़्यादा मिलता है और लोग देखने जाते हैं और उतनी रिस्पेक्ट देते हैं स्टोरीज को. सो आई डेफिनेटली लाइक टू डू समथिंग लाइक दैट. मेरी स्पेशलिटी ये है कि मैं जो भी करती हूँ वो कन्विक्शन के साथ करती हूँ. वो मेरी स्पेशलिटी है. मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि मैं अच्छा रोती हूँ. जिस एक्टर को लगता है कि वो अच्छा रोते हैं वो शायद अच्छा नहीं रोते हैं. तो आई थिंक मैं जो भी करती हूँ मज़े से करती हूँ और कन्विक्शन के साथ करती हूँ. अभी लोगों को कैसा लगता है वो पता नहीं. और आगे मेरी शुरुआत है तो आगे बहुत करना है. तो आई थिंक जब मैं बहुत सारा काम करूँगी तब मैं ऐसे बैठ के ऑब्जर्व कर पाऊँगी कि मुझे मैं ये अच्छा करती हूँ कि नहीं. अभी तो शुरुआत है, सीख रही हूँ. हाथ नहीं लग गई, मेहनत की है, हाथ नहीं लग गई है. हाँ नहीं एक्चुअली यू नो जब मैं एक मूवी देखती हूँ मैं ऑडियंस की तरह देखती हूँ. तो जेन्युइनली मुझे ऐसे कभी नहीं लगता कि ये मैं करती तो अच्छा करती. ऐसा मतलब मैं सोच ही नहीं पाती हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड आई एम ग्लैड बिकॉज अगर मैं ऐसे सोचने लग जाती तो आई थिंक वो हर चीज़ में मुझे होना चाहिए था. मुझे मतलब मैं ऐसे थिंक नहीं करती बिल्कुल. तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है. मैं जो भी है वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ और इन्जॉय करती हूँ. पर
या आई मीन ऐसे ऐसी कोई मूवी नहीं है, कोई नहीं, मुझे ऐसा कभी थॉट ही नहीं आया है कि मुझे ऐसे लगे कि आई विश ये मैं करती. बट ऑफ कोर्स आई नो कि आई'ड लव टू प्ले मे बी इंडियन अडेप्टेशन ऑफ रोमियो एंड जूलियट. विशाल भारद्वाज जी बनाए तो वो हुआ नहीं अब तक, सो हाँ मे बी. मेरी फर्स्ट जो मराठी फिल्म थी वो होम प्रोडक्शन ही थी. मैंने नहीं, मतलब अभी अभी आई एम ऑन माई ओन पाथ तो वैसे तो कुछ नहीं है, पर अगर कुछ अच्छी स्क्रिप्ट आए तो आई मीन पढ़ने में कुछ, मतलब मैं क्लोज माइंडेड नहीं हूँ, पर अभी सब अपने अपने, मम्मी अपना काम कर रही हैं, पापा अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ, तो आई थिंक फिलहाल तो ऐसे कुछ नहीं है जहाँ पे हम एक साथ काम कर रहे हैं. चलिए श्रेया, आपने हमारे एक क्वेश्चन को बोल घुमा दिया, जो कौन सी फिल्म में आप रहना पसंद करेंगे, बट वी वुड लाइक टू नो कि आपके फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेसेस कौन है जिनको आप हमेशा एडमायर करती हैं एक्सेप्ट योर पेरेंट्स. एक्चुअली इन द रीसेंट लॉट मुझे अब मैं शाहरुख वगैरह का नाम नहीं लूँगी, पर उनके साथ मुझे एक फिल्म में काम करना है जहाँ पे सॉन्ग डांस है, वो तो मुझे पता ही है. बट मुझे रणवीर सिंह बहुत पसंद है, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पसंद है. नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत पसंद है. रीसेंट में विक्की कौशल हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं. आई मीन हाँ, तो आई मीन ये लोग हैं जिनके साथ मैं डेफिनेटली काम करना चाहूँगी. और मुझे दीपिका पादुकोण, कंगना रनौत, प्रियंका चोपड़ा भी पसंद है. एंड आई थिंक आजकल हमारे लिए निमरत कौर, प्रियंका चोपड़ा, इन्होंने आई थिंक एक ब्यूटीफुल हमें एग्जांपल दिया है, बिकॉज यू नो आई आल्सो वांट टू डू ऑल काइंड्स ऑफ फिल्म्स, एक ग्लोबली चीज़ें करनी है. सो आई थिंक एज एन इंडियन एक्ट्रेस इट्स वेरी नाइस टू सी कि इन्होंने कैसा अपना पाथ काव किया है. सो आई डेफिनेटली आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय द करियोग्राफ्स फॉर श्योर. और मिस्टर बच्चन के साथ भी काम कर रहे हैं. यस, चलिए हमने आपका एक्टिंग और एक्टर पर्दे पे देख लिया, बट वी वुड लाइक टू नो कि एज अ ह्यूमन बीइंग कैसे हैं आप? इरिटेट होती हैं, गुस्सा करती हैं, खुश रहती हैं, कैसी हैं आप? आई थिंक हर ह्यूमन बीइंग हर सेकंड में इरिटेटेड, खुश, गुस्सा, दुखी, सब कुछ होता है. पर आई एम अ वेरी मैं बहुत स्ट्रांग हूँ जनरली, तो मुझे ज़्यादा, मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा मुझे एंग्शियस रहना पसंद नहीं है. और मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी हुआ है वो, मतलब आई लाइक टू मूव ऑन. मैं ज़्यादा पास्ट में ड्वेल करना पसंद नहीं करती. और आई थिंक माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज ब्रॉट मी अप इन अ वेरी इंडिपेंडेंट मैनर, तो वैसे मुझे किस चीज़ों से डर, मुझे सिर्फ गुस्सा तभी आता है जब लोग लिटर करते हैं पब्लिकली और जानवरों से ठीक से व्यवहार नहीं करते, तभी. अदरवाइज मैं ज़्यादा गुस्से वाली नहीं हूँ, आई एम हैप्पी. कौन कौन से प्रोजेक्ट्स नए आए हैं और किन किन प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे? एक्चुअली अभी मैंने फ़िलहाल कुछ साइन नहीं किया है, पर मैं पढ़ रही हूँ, गेज कर रही हूँ थोड़ा, मतलब मैं वक्त लूँगी, बिकॉज इसके बाद मैं जो भी करती हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा टू सेट द टोन. मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि मैं स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहती और अलग अलग रोल्स करना चाहती हूँ लाइक एवरी एक्टर. तो अभी जितना वक्त लगेगा, आई मीन आई एम पेशेंट, पर जो भी करना है नेक्स्ट वो ठीक से ही करना है. बिसाइड दैट मैं थिएटर करती हूँ ए के वेरियस प्रोडक्शंस के साथ, तो इंटरनल अफेयर्स ऑफ बॉम्बे डाइंग, ये दो प्लेज हैं, तो थिएटर हमेशा चलता ही रहता है. सवाल मेरे दिल में है कि अभी मुंबई में हम देखते हैं बहुत सारे ऑडिशन, छोटे टीवी से होते हैं और नई लड़कियां मेहनत करते हैं, जब चैट करती हैं, उनको उनको क्या मैसेज देना चाहिए कि कैसे काम करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए? कुछ मोटिवेटेड थॉट्स जो आपको लगता है कि यार एक एक्टर को ये करना चाहिए. एक्चुअली मैं कोई नहीं हूँ ऐसे मैसेज देने के लिए, बट मैं एक कहूँगी कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ ले जाए ये आपको पता नहीं है. तो इवन आई, मैंने तो, मैं ऑडिशंस देती हूँ, अभी भी ऑडिशंस देती हूँ. ऑडिशंस देने में कोई शर्म नहीं है, पहली बात तो. सेकेंडली, एज एन एक्टर आपको सिर्फ काम करते जाना, यू हैव टू कीप डूइंग इट, और जो भी करें वो मज़े से करना है, बिकॉज सबको मौका नहीं मिलता. तो अगर आपको दो मिनट का भी मौका मिलता है तो यू हैव टू गिव इट योर बेस्ट. और मेरे लिए फ़ैन परफेक्ट एग्जाम्पल था, बिकॉज मेरा रोल छोटा था और तभी फिर भी मुझे लगा कि जो भी है पांच सीन है, पर उस पांच सीन में शाइन करना है. तो आई थिंक मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई रोल बड़ा छोटा नहीं है, और इन्जॉय योर सेल्फ, और बिल्कुल खुद को कंपेयर मत करो, बिकॉज सबकी जर्नी अलग होती है. तो जो भी आपकी जर्नी है आपको वो रिस्पेक्ट करनी है और उस जर्नी का मजा लेना है, और बस ईमानदारी और इज्जत से काम करना है. थैंक यू, थैंक यू सो मच.
नहीं ऑब्वियसली आई थिंक बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि सेलिब्रिटी चिल्ड्रन को चीज़ें आसानी से मिलती हैं, कुछ सेलिब्रिटी चिल्ड्रन को मिलती होंगी आसानी से, बट मौका मिलना इसका मतलब ये नहीं कि बस आपको एक्टिंग आती है. एट द एंड ऑफ द डे आपको मौका मिला, उसके बाद भी आपको एक प्रूव करना पड़ता है कि आपके पास टैलेंट है. एंड एट द एंड ऑफ द डे आप उतना ही आगे जा सकते हो अपने टैलेंट के साथ, सब कुछ मतलब आपके पेरेंट्स नहीं कर सकते. एंड इन माई केस मेरे ऐसी अपब्रिंगिंग हुई नहीं है कि मैं अपने पेरेंट्स को कहूँ मेरे लिए कुछ करो. और जो भी मेरी फर्स्ट मराठी फिल्म मैंने मेरे पापा के साथ एक्चुअली की थी, पर मुझे तभी याद है कि मेरे पापा ने मुझे क्लियरली कहा था कि मैं तुम्हें मेरी बेटी हूँ इसलिए ये फिल्म नहीं दे रहा हूँ, मैंने तुम्हारा काम देखा है और इसलिए मैं ये स्क्रिप्ट दे रहा हूँ. एंड इवेंचुअली जब लोगों को मेरा काम अच्छा लगा तो किसी ने ये नहीं कहा कि यू नो कि आपके पापा ने आपको मूवी बना के दी है, एंड यू हैव डन इट. पीपल वर सेइंग दैट यू जस्टिफाइड द अपॉर्चुनिटी. और उसके बाद जो भी मेहनत हुई है, ऑडिशंस, रिजेक्शंस, फेलियर्स, सीख कर ही सब कुछ हुआ है. सो आई एम वेरी हैप्पी कि इस प्रोसेस के बाद फैन भी आई हैव गॉट थ्रू ऑडिशंस एंड हार्ड वर्क. और इवन इफ़ कोई सेलिब्रिटी चिल्ड्रन को, मतलब इवन इफ़ किसी को लॉन्च मिल रहा है, आई मीन लाइक आलिया भट्ट, शी सच अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस, आपको प्रूव करना ही पड़ता है. सो इट्स नॉट लाइक आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई मतलब आप बड़े एक्टर बन गए. सो एज अ सेलिब्रिटी चाइल्ड मेहनत उतनी होती है यार, हम सबको उतनी मेहनत करनी होती है. थैंक यू.